हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तो आज पहली बार मैं इस तरह से फिल्म कर रही हूँ, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। वैसे दिखने में तो इट्स काइंड ऑफ फन और करने में भी, लेकिन लेट्स सी। खैर, अभी इस वक्त दिन के 4 बज रहे हैं, ठीक है, और 5 बज रहे हैं, ठीक है, और हम काम करने के लिए निकले हैं। हमारे काम खत्म। अच्छा जी, तो यहाँ पर बस वॉकिंग डिस्टेंस था, मुझे 5 के करीब शॉप से जाकर कुछ लेना था और मैं बहुत कंफ्यूज थी क्या लूँ। फिर उसके बाद मुझे ये फेशियल किट समझ आ रही थी जो कि मैं खुद भी ट्राई कर चुकी हूँ। बहन को अचानक मिठाई लेना याद आ गई, तो इस वक्त इतनी बुरी गर्मी लग रही है ना, मुझे तबाह किस्म का रोज़ा भी लग रहा है। गर्मी लग रही है, रोज़ा लग रहा है बहुत ज़्यादा। अभी काम नहीं हो रहा, मुझे गजरे चाहिए थे, वो भी नहीं मिल रहे हैं, तो लेट्स सी जगह और रुके हैं गजरे लेने के लिए हम। अच्छा जी, तो यहाँ फाइनली अंकल मिल गए जो हमें गजरे बना के दे रहे हैं, और लाल गुलाब तो कहीं नहीं मिल रहा। हमें गजरे मिल गए हैं और अब कुछ तरह से काम है, बस वो करके हम जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं शेक लेने की रुकी थी और जहाँ जहाँ मैंने बोला मैं बोल सकी वीडियो में, और यहाँ पर मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करी। उसके बाद हम यहाँ पर घर पहुँचे और फ़ौरन ही मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी, ये फ़ौरन ही बस इसको सेट करा इस तरह से बास्केट में, और सच में ये गजरे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। पहले मैं सोच रही थी कि मैं रोज़ गुलाब के ढूंढूँ, लेकिन वो मिले नहीं, तो ये चमेली के बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। खैर, तो ये एक छोटी सी ईदी थी मेरी भाभी के लिए, जिसको देखे शी वाज़ सो सरप्राइज़, और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर सैर में कुछ ही टाइम रह गया था जब तक मैं अपने शहजादे के साथ खेल रही थी। बुड्ढी पी लो, इनकी हरकत चेक करे जरा। इसका भी छोटा मोटा काम रह गया है हमारी तरह, तो ये भी मजा आ रहा है। चारी को पता नहीं क्या लेना है, कहाँ घूम गया, हमारी तरह हमें भी समझ नहीं आ रहा। आखिर ईद की शॉपिंग करने के बाद फिर भी आपके छोटे मोटे काम निकल ही आते हैं, जो कि आपको जाने छोड़ते हैं और आपको ज़बरदस्ती निकल जाना पड़ता है। खैर, तो बस यहाँ पर हम शॉपर आके रुके थे, तो बड़ा पिको करवाने के लिए। और यहाँ पर आप लोग नज़ारे कीजिए, और बस सबसे आखिर में हम यहाँ पर मोबाइल शॉप पर आए थे, जहाँ पर बस मोबाइल्स की छोटी मोटी एसेसरीज लेनी थी और मोबाइल की प्रोटेक्टर वगैरह चेंज करवानी थी, तो यहाँ पर अंकल वो कर रहे थे। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. अच्छा जी, तो यहाँ पर सारे काम निपटा कर मुझे आखिर में बस भूख लगने लगी थी, और आज लेते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी, प्रेस द बेल आइकॉन, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।